नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएसएससी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र। अब बिहार में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा एक और जिला। पुल गिरने की जिम्मेदार व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई। स्वच्छता सर्वे में राजधानी पटना को रैंकिंग के लिए इतने लोगों ने दिया फीडबैक। मौसम बना रहेगा शुष्क, रात के तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान। बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएसएससी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की तरफ से प्रवर्तन सब इंस्पेक्टर वन रक्षक अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षाएं 12 मई से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर ही बीपीएसएससी में परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियों का भी ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वो आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर जांच कर सकते हैं। पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार प्रवर्तन सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 मई से लेकर 16 मई 2022 तक कराया जाएगा। वहीं वन रक्षक अधिकारी के पदों पर भर्ती को लेकर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 मई 2022 को किया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। बिहार और बॉलीवुड का कनेक्शन जोड़ा जाए और शत्रुघ्न सिन्हा की बात ना आए ऐसा नामुमकिन है। उनका एक खामोश आज भी अच्छे अच्छों को खामोश कर देता है। एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों के निर्माता निर्देशक अपने फिल्म में ही मैन धर्मेंद्र और एंग्री यंग मैन अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को तरजीह देते थे। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के ऐसे पहले अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी एक सफल पारी खेली। बॉलीवुड की दुनिया में उन्हें शॉटगन और बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के वो पहले शख्स है जिन्होंने बॉलीवुड की में कदम रखा था। प्रेम पुजारी फिल्म में एक छोटे से किरदार से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। अब बिहार में पर्यटन स्थल के रूप में होगा एक और जिला। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इसी बीच बिहार के एक और जिले को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है। इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पर्यटन मंत्री नारायण शाह और बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल बीते दिन बेतिया पहुंचे, जहां पर तीनों ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम चंपारण जिला गोवा और मसूरी की तरह विकसित होगा, जबकि जिले के जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट तक को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसको लेकर बेतिया के सर्किट हाउस में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण शाह ने आगे ये भी कहा कि पश्चिम चंपारण, चंपारण समेत जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना है। चंपारण के पर्यटन क्षेत्र और ऐतिहासिक धरोहर को सजाने का काम पर्यटन विभाग कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट के कुल मिलाकर 1222 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 और डिप्लोमा इन GNM, BSc नर्सिंग इंटरमीडिएट के साथ जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी और फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 30 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nhmp.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। पुल गिरने के जिम्मेदार व्यक्तियों पर होगी कार्रवाई। भागलपुर के सुल्तानगंज में करीब 1710 करोड़ की लागत से बनने वाले आगवानी पुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थे। इस पुल के गिरने पर पूरे बिहार में चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। इस मामले में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर बीते दिन ही पथ निर्माण मंत्री ने अपना बयान जारी करते हुए आगे कहा कि IIT रुड़की और पटना NIT की टीम संयुक्त रूप से ये जांच करेगी कि किन किन वजहों से ध्वस्त हुआ है। अगर इसमें लापरवाही आती है तो हर हाल में इसके लिए दोषी पर कार्रवाई होगी। अब यह कहना संभव नहीं है कि किस वजह से निर्माणाधीन संरचना ध्वस्त हुई। वहीं दूसरी तरफ पुल के गिरने से लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही राज्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी कहा है कि बिहार इन दिनों संस्थागत भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है। मौसम बना रहेगा शुष्क, रात के तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान। तेज गर्मी के बीच पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम शुष्क देखा गया। बिहार में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस खगड़िया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और सिवान जिले के जीरादेई में दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में तो कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार मॉडल उपग्रह यह तस्वीर और अन्य मौसमी विश्लेषण से पता चलता है कि अगले 48 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में पश्चिमी हवा का प्रवाह रहेगा, जबकि पूर्व विभाग पूर्वी हवा के प्रभाव से रहेगा। आज भी कई जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, साथ ही रात के तापमान में हल्की गिरावट होने का पूर्वानुमान है।
शेखपुरा के कुसैढ़ी गांव में शिव मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुसैढ़ी गांव में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग अपने आप में अद्भुत शिव मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित ये शिवलिंग लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। इस अति दुर्लभ तथा प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शेखपुरा जिला के अलावा पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। ये अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले भगवान शंकर का एक प्रतिरूप में सर्वमान्य है। यहाँ हर महीने सोमवार को अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन सावन महीने के हर सोमवार पर यहाँ हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोगों की मान्यता है कि इस पंचमुखी शिवलिंग में वंश वृद्धि के साथ सौभाग्य की रक्षा और वैवाहिक आकांक्षा की पूर्ति होती है। स्वच्छता सर्वे में राजधानी पटना को रैंकिंग के लिए इतने लोगों ने दिया फीडबैक। आपकी राजधानी पटना कितनी ज्यादा स्वच्छ और साफ सुथरी है, इसका पता लगाने के लिए ही स्वच्छता सर्वे का आयोजन करवाया गया है, जो कि बीते दिन समाप्त हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए फीडबैक लेने की प्रक्रिया यानी कि अब नहीं होने वाली है। डेढ़ महीने में पटना नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले 2,20,00,000 लोगों में से 52,403 लोगों ने फीडबैक दिया है। 1,00,000 से अधिक लोगों से फीडबैक दिलाने का लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया था। अभियान में जुटी रही नगर निगम के दावे का केंद्रीय टीम ने भी जायजा लिया था। आम लोगों से फीडबैक लिया गया था। केंद्र सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी करेगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि पटना की स्थिति बेहतर हुई है या नहीं। गंगा टाउन श्रेणी का भी केंद्रीय टीम सर्वेक्षण कर चुकी है। बिहार के दो बड़ी रेल परियोजना में जमीन की अड़चन हुई दूर। बिहार में जमीन के विवाद के चलते रुकी रेल और सड़क की परियोजनाएं जल्द गिरफ्तार पकड़ने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी को कहा गया है कि वो सभी विधायकों से बातचीत कर जमीन की समस्या का निदान करे, साथ ही कोशिश करे कि कोई भी परियोजना जमीन के कारण बाधित न हो। इसको लेकर हाल ही में बैठक का आयोजन करवाया गया था। बैठक में ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के अलावा रेलवे NHAI और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी भी मौजूद थे। सशस्त्र सीमा बल के लिए बेतिया में अलग से व्यवस्था भी की गई थी। बैठक में कहा गया है कि अगर कहीं मुआवजे की राशि को लेकर जमीन अधिग्रहण में परेशानी है तो जिला भू अर्जन पदाधिकारी किसानों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाए। जमीन का उपयोग करने वाले किसान को भी समाधान के उपाय के प्रति संवेदनशील रहने के लिए कहा गया है। तेज प्रताप की जनशक्ति यात्रा में पहले दिन दलित के घर उन्होंने खाई नमक रोटी। राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बीते दिन किसानों और मजदूरों से जुड़ने के लिए अपने पूर्व घोषित जनशक्ति यात्रा की शुरुआत की। तेज प्रताप यादव ने ये यात्रा जनशक्ति परिषद के बैनर तले शुरू की थी। इसके तहत उन्होंने पटना जिला स्थित कराई गांव में जनशक्ति परिषद की जनसभा के साथ अपनी जनशक्ति यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने बिहटा स्थित मखदुमपुर दलित बस्ती पहुंचकर गरीब के बीच कपड़े बांटे और उनका हालचाल भी जाना और एक दलित के घर में नमक रोटी और मिर्च खाई। तेज प्रताप की इस यात्रा को कई लोग राजद से अलग होने की तरफ देख रहे हैं और एक कदम मान रहे हैं। खास बात यह है कि लालू के लाल की यात्रा को राजद का समर्थन ही मिला था। अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों की बढ़ी रौनक। बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में बीते 2 साल से कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित था, जिसके कारण अक्षय तृतीया हो या कोई भी त्यौहार, उसका जोश बाजारों में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया आने से पहले ही बाजार सज चुका है। पटना में 3 मई को होने वाले अक्षय तृतीया को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। अक्षय तृतीया को लेकर सराफा बाजार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बोरिंग रोड समेत शहर के कई इलाकों में सोना चांदी की दुकानों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा सोनार ने बताया है कि इस साल अक्षय तृतीया पर पटना में 50 से 55 करोड़ और प्रदेश में लगभग 100 करोड़ का कारोबार हो सकता है, जबकि अक्षय तृतीया के पहले ही 10 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषणों की बुकिंग की जा चुकी है। बिहार में मिले कोविड-19 के 5 मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा में 1, पटना में 3 और सुपौल में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,03,017 सैंपल की जाँच की गई। वहीं इस दौरान 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के लीची अब जाएगी इंग्लैंड और मलेशिया। बिहार में लीची का सीजन है, ऐसे में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लीची देश से लेकर विदेश तक में काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। वहीं इस बार लीची इंग्लैंड और मलेशिया जाने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अनूठे स्वाद के लिए देश विदेश में मशहूर शाही लीची इस साल इंग्लैंड और मलेशिया तक जाएगी। इसके लिए शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुनास और मनिका गांव के बगीचा से फल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुनास के प्रिंस कुमार और मनिका के रजनीश कुमार एपिडा के माध्यम से लीची का निर्यात करेंगे। पहली खेप 15 मई तक भेजी जा सकती है। प्रिंस कुमार ने बताया कि मार्केट ठीक ठाक रहा तो इस सीजन में 50 टन लीची इंग्लैंड और मलेशिया भेजी जाएगी। अब और करीब से सौर मंडल को देख पाएंगे दर्शक। तारामंडल को और ज्यादा आधुनिक बनाने का काम चल रहा है।
तारामंडल भवन के स्ट्रक्चर और लोड को समझने के बाद ऑडिटोरियम के इंटीरियर रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले तारामंडल के वोटर वेरिफिकेशन और इंसुलेशन का काम किया गया था। इसके आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी कॉलजाइड को दी गई है। कोलकाता की और आर्किटेक्ट कंपनी की टीम में इंटीरियर रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल पुराने ऑडिटोरियम की फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। इसके बाद गैलरी सेटिंग और झुकावदार चेयर की सेटअप तैयार की जाएगी। इसके साथ ही तारामंडल में दर्शकों को 6 प्रोजेक्टर के माध्यम से 3D आधारित सौर मंडल पर बनी वर्ल्ड क्लास फिल्में दिखाई जाएंगी। शराबबंदी के लंबित मामलों का निपटारा अब होगा इनके हाथ। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद की संशोधित अधिनियम और नियमावली लागू होने के बाद राज्य सरकार अब बड़ी संख्या में लंबित शराबबंदी के मामलों को निपटाने में लगी हुई है, जिसके तहत ही अब शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए सभी जिला प्रशासन ने विज्ञापन और नोटिस जारी कर ऐसे लोगों को मौका देने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी DM हाईकोर्ट से कार्यपालक दंडाधिकारियों को न्यायिक शक्तियां मिलने का इंतजार है। शक्ति मिलने पर विशेष न्यायालय में धारा 37 के तहत दर्ज तमाम ऐसे पुराने मामलों की सूची जिला और सत्र न्यायाधीश के परामर्श से DM को ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि अब DM बिहार में शराबबंदी के लंबित मामलों को निपटाने वाले हैं। सीएम नीतीश ने अटल पथ और निर्माणाधीन JP गंगा पथ का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अटल पथ और निर्माणाधीन JP गंगा पथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दीघा से दीदारगंज तक निर्माण कराए जा रहे JP गंगा पथ के निर्माणाधीन कार्य की जानकारी ली और काम को तेजी से पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल पथ फेज 2 के निर्माण कार्य को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने JP गंगा पथ के निर्माण कार्य और पद के विभिन्न अलाइनमेंट की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन पथों का JP गंगा पथ से जुड़ने से कई रूट के लोगों के लिए आवागमन और सुगम होगा। पटना से बाहर आने जाने वाले लोगों का भी संपर्क और सुलभ हो जाएगा। नीरा उत्पादन के मामले में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। नीरा का उत्पादन बिहार में जोर शोर से करवाया जा रहा है। इसके उत्पादन को लेकर बिहार सरकार भी अपना हाथ आगे बढ़ा चुकी है। पूरे बिहार में अब गया जिले ने नीरा उत्पादन के मामले में बाजी मारी है। मीडिया में चल रहे खबरों के अनुसार जिले में नीरा का उत्पादन 1,00,000 लीटर पार हो गया है। पूरे बिहार में गया अब तक सबसे ज्यादा नीरा उत्पादन करने वाला जिला बना है। जिले में लगभग 1,40,000 लीटर नीरा का उत्पादन हुआ। इसमें लगभग 1,33,000 लीटर की बिक्री हुई है। गया के बाद समस्तीपुर और वैशाली में क्रमशः 1,03,393 और 1,03,528 लीटर नीरा का उत्पादन किया गया है। अप्रैल में GST कलेक्शन का टूटा रिकॉर्ड। कोरोना के कारण GST कलेक्शन में काफी ज्यादा परेशानी आई थी, लेकिन पिछले कुछ महीने में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल महीने में GST कलेक्शन ने फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते महीने GST से सरकारी खजाने को रिकॉर्ड 1,67,540 करोड़ हासिल हुए, जो किसी भी एक महीने में अब तक का सबसे ज्यादा GST कलेक्शन देखने को मिला। वित्त मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अप्रैल 2022 में एक महीने पहले यानी कि मार्च 2022 की तुलना में 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा GST कलेक्शन हुआ। मार्च 2022 में सरकार को GST से 1,42,095 रुपए प्राप्त हुए थे। रविवार को नहीं दिखा ईद का चांद, अब 3 मई को मनाई जाएगी ईद। रमजान का महीना अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद मुसलमानों को ईद के त्यौहार का इंतजार है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि ईद का चांद रविवार को देखने को मिलेगा, लेकिन चांद नहीं दिख रहा, जिसके कारण ही 3 मई को मनाई जाएगी। हालांकि सऊदी अरब में ईद उल फितर का त्यौहार 2 मई को मनाया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद के कार्यवाहक मोहित ने मौलाना अब्दुल खालिक के बाद सऊदी अरब में आज ईद का त्यौहार मनाए जाने की बात कही है। हालांकि अमूमन यही देखा गया है कि सऊदी अरब से एक दिन बाद भारत में ईद मनाई जाती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। आज ही के दिन रावलपिंडी में दंगे की आग भड़की थी, जो 1907 में पश्चिम बंगाल से पंजाब तक फैल गई। महात्मा गांधी की जान लेने के मामले की सुनवाई 1949 में हुई। लोकसभा ने सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक 1968 में पारित किया। आज ही के दिन भारतीय सेना द्वारा बांदीपुरा बाजार से 10.5 किलोग्राम चरस पर कब्जा 1998 में किया गया था। अनिल अंबानी ग्रुप के फर्म रिलायंस पावर लिमिटेड ने इंडोनेशिया में 3 कोयला खदानों का अधिग्रहण किया। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक सत्यजीत रॉय का जन्म हुआ 1921 में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री का जन्म 1929 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का निधन 1975 में हुआ।
सफर के दौरान बिना इंटरनेट के यूज कर सकेंगे गूगल मैप। गूगल मैप उन स्थानों का पता लगाने और उन तक पहुंचने के लिए सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐप में से एक है, जहां आप जाना या यात्रा करना चाहते हैं। हालांकि गूगल मैप का उपयोग करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन रुकिए, गूगल के सपोर्ट पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार यदि आप कार से यात्रा कर रहे हैं तो आप विश्वसनीय नेविगेशन और सेफ्टी फीचर्स के लिए गूगल मैप का ऑफलाइन उपयोग भी कर सकते हैं। जब आपकी कार का इंटरनेट कनेक्शन खराब हो, इसके लिए आप गूगल मैप ऐप खोल सकते हैं। सबसे नीचे सेटिंग्स पर टैप करें, प्राइवेसी सेंटर टैप करें, फिर ऑफलाइन मैप टैप करें। डाउनलोड ऑफलाइन मैप ऑटोमेटिकली चुनें। सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और अपने ऑफलाइन मैप डाउनलोड के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। हाई स्कोरिंग मैच में सीएसके ने एसआरएच को 13 रनों से हराया। आईपीएल 2022 के 46वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को 13 रन से हरा दिया। एसआरएच के सामने 203 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 189 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना सकी और मुकाबला हार गई। निकोलस पूरन 64 रन टॉप स्कोरर रहे। सीएसके की तरफ से मुकेश चौधरी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। आधे सीजन की नाकामी के बाद एक बार फिर से सीएसके धोनी की कप्तानी में मैदान पर वापसी लौटी है और शानदार जीत दर्ज करते देखी गई। चेन्नई की 9 मैचों में ये तीसरी जीत है। टीम को 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा था, वहीं एसआरएच की 9 मैच में ये चौथी हार है। टीम लगातार 5 मैच जीत चुकी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,520 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,810 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,450 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 116.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.88 रुपए प्रति लीटर थे। केआरके का बॉलीवुड सेलेब्स और कोहली धोनी पर वार। अभिनेता और क्रिटिक कमाल आर खान का हर दिन कोई ना कोई ट्वीट चर्चा में रहता है। ऐसे में एक बार केआरके ने बॉलीवुड और क्रिकेट सेलेब्स पर तीखा वार किया है। केआरके ने अपने ट्वीट्स में शाहरुख, अक्षय से आलिया, प्रियंका और कोहली धोनी तक का जिक्र किया। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा कि सबका धंधा बढ़िया चल रहा है। अक्षय, अजय, शाहरुख, रणवीर गुटखा बेच रहे हैं, धोनी, विराट, युवराज ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं और रही सही कसर दीपिका, आलिया और प्रियंका ने दारू बेचकर पूरी कर दी है। जेपी गंगा पाथवे बनकर हुआ तैयार। जेपी गंगा पाथवे का दीघा से गांधी मैदान तक का काम पूरा हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस लाइन का 90% काम पूरा हो गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। जल्द ही उम्मीद है कि आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। इस सड़क से होकर ट्रायल रन 10 मई से शुरू होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद अगले चरण में गंगा पाथवे से पीएमसीएच और फिर एनआईटी तक निर्माण होगा। लगभग 5.4 किलोमीटर लंबाई में गंगा पाथवे पर आवागमन शुरू होने से दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट नियर गांधी मैदान पहुंचने में करीब 5 मिनट का समय लगेगा। इससे दीघा से राजापुर पुल होते हुए गांधी मैदान जाने वाले रास्ते में अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रविंद्र पासवान, गौतम कुमार, विकास बिहारी, रंतोष कुमार, महेश दास, रोहित कुमार, पंकज कुमार, ध्रुव कुमार, ऋतु रानी, राजीव कुमार, राज पासवान। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार का कौन सा त्यौहार आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।